सो वेलकम बैक गाइज। और इस वीडियो में मैं अपने साइबर सिक्योरिटी जर्नी को शेयर करूंगा एंड आई टेल यू हाउ आई लर्न हैकिंग। तो अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स बिगिन। सो आफ्टर फिनिशिंग माई 12th मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था साइबर सिक्योरिटी के बारे में और आइडिया भी नहीं था आगे क्या करना है। तो हमारे कंपनी लॉयर ने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड ट्राई इनटू लॉ या साइबर सिक्योरिटी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अब लॉ में तो बात बना नहीं, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी में ट्राई किया और मैंने काफ़ी कॉमन टर्म्स के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया लाइक एनमैप, वायर शार्क, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड आई वॉज इंस्टेंटली हुक टू इट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं YouTube पे गया तो काफ़ी सारे वीडियोस थे फ्रॉम द YouTube चैनल Hackers.it और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ बेसिक सीखा और आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते। तो मेरे सिटी में तो ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स है भी नहीं, तो एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया जिसमें 3 मंथ्स का कोर्स था CEH। तो CEH ये विदाउट सर्टिफिकेशन था और ये 3 मंथ का प्रैक्टिकल कोर्स था। तो हमारे ग्रुप में 3 बंदे थे इंक्लूडिंग मी, पर तब मेरा कॉलेज चल रहा था तो मैं कॉलेज से घर आता तो घर से सीधा इंस्टीट्यूट पढ़ने जाता था, तो काफ़ी मज़ा आता था। तो 3 मंथ जब कंप्लीट हुआ, मेरा कोर्स भी ख़त्म हो गया, तो एक प्रोजेक्ट मिला हम लोग को कि और प्रोजेक्ट ये था कि आपको एक वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना और एक VAPT रिपोर्ट बनाना। तो मैंने अपने स्कूल के वेबसाइट को चूज़ किया। तो एक दिन हुआ कोई बग नहीं मिला, 2 दिन हुआ कोई बग मिला भी नहीं, बट 3rd डे मुझे SQL इंजेक्शन मिला और थ्रू SQL इंजेक्शन मैंने अपने स्कूल वेबसाइट को हैक कर लिया। तो आफ्टर दैट मैंने और भी काफ़ी वेबसाइट्स पे ये चीज़ किया और काफ़ी सारे वेबसाइट्स भी हैक किए थे। तो उस इंस्टीट्यूट के थ्रू मुझे मेरे मेंटोर मिले जो वहाँ टीच करते थे और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ये जर्नी था एक फुल पाथ जिस पे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ थे करने थे और ये पाथ के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा अबाउट माय पाथ, तो उसको पूरा पढ़ना। मैंने 1.5 साल के पूरे जर्नी को शेयर किया है उस एक आर्टिकल में और काफ़ी सारे हेल्पफुल रिसोर्सेज भी शेयर किए जिससे आप लोग सीख सकते हो और बहुत कुछ शेयर किया। तो डू चेक इट आउट, बहुत हेल्पफुल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वो पाथ को फॉलो करना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने अपना बेसिक्स को क्लियर किया। अब बेसिक्स क्लियर करने के बाद एक CTF का लिस्ट था, 15 CTFs फ्रॉम OneHub। अब OneHub काफ़ी लोगों को अगर पता नहीं होगा तो एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक हैक द बॉक्स जहाँ वल्नरेबल मशीन्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हार्ड होता गया, एक एक CTF के बाद हार्ड होते गया और मीडियम टू हार्ड लेवल के सारे CTFs थे और कुछ OSCP लेवल भी थे। तो मैं रात रात भर जाग के CTF करता था, रात को पूरा CTF करता था और दिन में सोता था। तो ये मेरा टाइम टेबल था एंड ऑल्सो माई मेंटोर यूज टू हेल्प मी। तो ये चीज़ था। तो आफ्टर फिनिशिंग CTF मैंने वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग पर थोड़ा ध्यान दिया और काफ़ी सारे उस पर भी CTFs किए, वॉर गेम्स किए। तो अगर आप मेरे आर्टिकल में जाओगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहाँ पर बहुत कुछ प्रैक्टिस किया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं, मेरा एक हैबिट ये था कि मैं काफ़ी लोग से बात करता था जो साइबर सिक्योरिटी में है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आपके फैमिली में कोई होगा नहीं जो साइबर सिक्योरिटी से हो और आपके रिलेटिव्स में भी कोई होगा नहीं जो साइबर सिक्योरिटी में हो। कोई ये नहीं बोलता कि हैकिंग कर। तो अब क्वेश्चन है कि एथिकल हैकर से बात कैसे करें जो कि ऑलरेडी फील्ड में है। तो इसका आंसर ये है कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ और काफ़ी सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो और इनका नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर करना। और मैं काफ़ी साइबर टॉक्स भी देखता था YouTube पे, इंटरव्यूज़ देखता था अबाउट साइबर सिक्योरिटी, वीडियोज़ देखता था, वो भी हेल्पफुल है। तो यहाँ तो उसके बाद मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया और काफ़ी प्रैक्टिस भी किया, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी किए जिससे और स्किल्स बेटर हुआ सी प्रोग्रामिंग में। एंड आफ्टर फिनिशिंग सी प्रोग्रामिंग मैंने पाइथन स्टार्ट किया। अब एक छोटा सा सजेशन ये है कि जनरली लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो कोर्सेज के थ्रू। वीडियो कोर्सेज आर रियली गुड अगर आप एक बिगनर हो फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक बुक को पिकअप करो और उसको कंप्लीट करो क्योंकि बुक आपको एक हैंड्स ऑन अप्रोच देते हैं और आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि एक प्रोग्राम लो और उसको बना के दिखाओ। तो ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और एक चीज़ होगा कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे खुद से तो काफ़ी सारे एरर्स आएंगे जिसको आपको फिक्स करना होता है। तो ये चीज़ एक वीडियो कोर्स कवर नहीं करता क्योंकि उसमें एरर नहीं आता है, वो प्रोग्राम फ्लॉलेसली चल जाता है, रन हो जाता है।
तो ये मेरा सजेशन है, बुक पिकअप करो और स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में बुक का भी नाम मिल जाएगा। अब पाइथन के बाद मैंने ब्लैक हैट पाइथन बुक चूज़ किया। अब काफ़ी लोगों को पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड बुक है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बुक है, और ये बुक बेसिकली आपको सिखाते हैं कि आप खुद के टूल्स कैसे बना सकते हो। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टूल्स है, लाइक ARP स्पूफिंग टूल, मैन इन द ब्राउज़र अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, खुद के स्कैनर्स बना सकते हो, ट्रोजन्स बना सकते हो यूजिंग पाइथन। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बुक है और ये पाइथन 2 में लिखा हुआ है और काफ़ी पुराना है। तो चैलेंज ये है कि आपको पाइथन 2 से पाइथन 3 में कन्वर्ट करना है और बहुत सारे मॉड्यूल्स भी चेंज हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बुक है और अभी रिसेंटली इसका पाइथन 3 का लेटेस्ट एडिशन आने वाला है। मेरा किस्मत ख़राब था कि मुझे पाइथन 2 वाला बुक मिला। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब ये बुक मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एंड आफ्टर दैट आई हैव प्लान्स टू गो फॉर OSCP एग्ज़ाम आफ्टर 4 or 5 months। और भाई OSCP के बाद तो काफ़ी सारे प्लान्स है। वीडियो अच्छा लगा तो स्मैश दैट लाइक बटन, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। और कमेंट करके बताओ कि मेरा जर्नी कैसा लगा और आपका जर्नी कैसा था। अपना जर्नी शेयर करो सबके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग आउट, ज़ोस।